कौन है ये लड़की? टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट बहुत ही कंट्रोवर्सी में है। कुछ कहना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस को उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा करने के लिए? लेकिन कोलकाता आने के बाद बहुत बदनाम करते हो आप लोग, तो आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? हम लोग का लास्ट डे और हम लोग कल निकलने वाले हैं। मैं तो इतने मुश्किल से मतलब अपने रोने को कंट्रोल कर रही हूं। तो गाइस इनको तो पसीना क्यों आएगा, ये तो पीछे से वो पैंडल ही नहीं मार रही थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और ये है कोलकाता ब्लॉग पार्ट टू। और फिर से हम लोग आए हैं इको पार्क, और फिर से है हमारे साथ शबनम लायक। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती घुमाने के लिए हमें, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे हम लोग इको पार्क तो शाम हो गया था, तो अच्छे से घूम नहीं पाए थे, तो निकलना पड़ा था। तो फिर से हम लोग आए हैं और ये ब्लॉग पार्ट टू है कोलकाता का, तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाएंगे फिर से कुछ नया नवेला। स्टे ट्यून। कुछ नथिंग। बाय बाय। और फिर से हमारे साथ शबनम लायक, सेकेंड डे, बहुत शर्माते हुए, पता नहीं किससे कन्वर्सेशन चल रहा है इनका, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अलग लैंग्वेज में ये बात कर रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिषेक आप थोड़ा बहुत समझते हैं बंगाली, बताइए क्या बात कर रही है? हाँ क्या बात कर रही है, आपको कुछ समझ में बात करिए, पता ही नहीं चल रहा। थोड़ा पास जाइए, पास जाके पता, वो अच्छा अच्छा तो हमको भी समझ में आ रहा है, और बाकी जो बात करिए वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी 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 क्या क्या बोल रहे हो, क्या बंगाली समझते हैं महाराज आप, बताइए। कन्वर्सेशन भी एंड हो गया, आप समझे भी नहीं क्या बात की। तिलियर नहीं बोल रही है ना? अच्छा तिलियर नहीं बोल रही थी। सो वेलकम बैक शबनम लायक, सेकंड डे। एक चीज तो भूल ही गए, क्या कौन है ये, कौन है ये लड़की? टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट तो आप क्या हो? मतलब नहीं हूं पर टूरिस्ट गाइड नहीं हूं। तो क्या हो? फ्रेंड हो। ओके ओके ओके, तो गाइज आप लोग इनको टूरिस्ट गाइडर मत समझना, ये बहुत अच्छी फ्रेंड है, देखिए खुद से बता रही है। तो कृपया करके इन्हें कोई डीएम ना करें टूरिस्ट गाइडर के लिए। ओके यस, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देते, कितना प्यारा व्यू है। फर्स्ट टाइम इको पार्क में आया तो इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे। दूर दूर तक पानी ही पानी और इधर है। तो बताइए कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है ना? आप कहीं जाने वाले थे अभी? अच्छा यहाँ बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, तो और भी वीडियो बनाना है? गौर से देखिए इस इंसान को, कितना भी रील बनाती है मन नहीं भरता, मन नहीं भरता, नहीं भरता, नहीं भरता है। और कुछ, चलिए ब्लैक फॉरेस्ट चलते हैं। सॉरी कौन सा फॉरेस्ट था वो? जापानीज फॉरेस्ट, चलिए चलते हैं। ओके चलिए। सो गाइज आप लोग व्यू तो देख ही लिए यहाँ का, कितना प्यारा व्यू है। और आज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हवा चल रहा है बहुत तेज़, मे बी यहाँ पे खाली चल रहा है और जगह नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और हमारे अभिषेक सर चिल कर रहे हैं यहाँ पे एकदम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा, और सब जगह से यहाँ पे सही लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा बह रहा है। और आप भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं हम क्या कहेंगे यहाँ, हवा का आनंद लीजिए और आप रील्स बनाइए बस, कल घुमाने लाएंगे और फिर रील बना के एक ही जगह खड़े रहते हैं। हाँ गाइज ये भी बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम लोग तो रील्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे रील्स को एंजॉय करते हैं हवा के साथ। तो गर्मी है अभी। हाँ और इनका परिचय देने का तो ज़रूरत है नहीं क्या, ऑलरेडी बहुत अभी वायरल हो रही हैं और बहुत ही कंट्रोवर्सी में है।
और कंट्रोवर्सी का क्या कारण आप लोग को भी पता है। ये अंदर का कुछ व्यू, बड़ा प्यारा प्यारा व्यू है अंदर। बहुत सही व्यू है गाइस अंदर जापानीज फॉरेस्ट के अंदर। आप लोग भी इको पार्क आना तो जापानीज फॉरेस्ट के अंदर जरूर आना, बड़ा प्यारा व्यू है, चेक कर सकते हो आप लोग। अरे यार हमें तो पता ही नहीं था इतना अंदर अच्छा व्यू होगा, नहीं तो हम लोग अंदर आके ही बनाते रील्स। नहीं शबनम को भी सॉरी, शबनम बोल रही थी इतना देर से चलने के लिए हम लोग को, लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे थे, हम लोग को लगा कि नहीं वैसा लाइट नहीं मिलेगा इधर। तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना कि अंदर पेड़ नहीं है, अंदर थोड़ा व्यू भी है। क्या अभिषेक, हम लोग को लगा कि अंदर खाली जंगल होगा, तो जंगल में जाके क्या ही करेंगे, जंगल में रील्स भी अच्छा से नहीं बनता, लाइट नहीं आता, लेकिन अंदर तो इतना प्यारा व्यू है, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। देखिए गाइस, और देखते चलिए गाइस, देखते चलिए, हम लोग दिखाते चलेंगे। सो गाइस हम लोग मिस कर दिए, आज हम लोग यहाँ पे रील्स नहीं बना पाए क्योंकि लाइट चला गया, और तब लाइट जाने के बाद हम लोग आए यहाँ, क्योंकि शबनम हमें बताई कि अंदर खाली जंगल है, जापानीज फॉरेस्ट के अंदर खाली जंगल है, इनके द्वारा बताया गया हमें, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही व्यू है। थोड़ा अफसोस हो रहा है कि यहाँ का रील्स देखने को नहीं मिला होगा आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं गाइज, अगर कोलकाता में एक दो दिन और रहें तो ज़रूर यहाँ फिर से आएंगे और बहुत सारा रील्स बना के जाएंगे। ओके, देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, कितना प्यारा व्यू है, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं इधर। बताओ गाइस, अगर थोड़ा पहले आते तो आप लोग को दिन में दिखा पाते ये सब व्यू, तो आप लोग भी एंजॉय कर पाते अच्छे से, बट रात में क्वालिटी थोड़ा लेस हो गया है जिसके कारण आप लोग को ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी चेक करो आप लोग यहाँ पे दो से। सो गाइज फिर से हम लोग आए हैं कॉफ़ी हाउस, क्योंकि बहुत जोड़ की भूख लगी थी और ज़्यादा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर में दर्द है। सो फिर से हमें शबनम कॉफ़ी हाउस लेके आई है, इस बार चिकन पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज और कॉफ़ी, ये तीन चीज़ खिलाने पिलाने लेके आई थी, और बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, तो कॉफ़ी पीने के बाद अभी थोड़ा सा सर हल्का हुआ है, और मे भी आगे कंटिन्यू क्या हाँ इनका बढ़ गया क्योंकि इनको कॉफ़ी सही नहीं लगा, हम लोग को कॉफ़ी सही लगा, तो मे भी आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर बहुत भारी लग रहा था। घर जाएंगे अब और आराम करेंगे, और इनका मेरे से दुगना भारी लग रहा है ना सर, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ नहीं मत बोलिएगा, कुछ तो बोलिए। मुझे अपने घर जाना है। हमारे ऑडियंस को ओके गाइस, चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, आगे कल दिखाएंगे। सो शबनम जी, हमारी ऑडियंस आपसे बहुत गुस्सा है, कुछ कहना चाहोगे आप अपने तरफ से उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा करने के लिए? पता नहीं क्यों गुस्सा है, कुछ तो रीज़न है कि आपसे गुस्सा है, कमेंट्स एंड ऑल पढ़ के आपको भी कुछ महसूस हो रहा होगा कि क्यों गुस्सा है। अच्छा आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो हम कमेंट्स पढ़े हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारी ऑडियंस आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो हमारी ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे, गुस्सा है तो गुस्सा मत होइए क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, सुन लिए ना आप लोग, इनसे गुस्सा मत हो, गलती है आपके प्यारे प्रशांत जी की गलती है, तो मेरी गलती क्या हो सकती है, मुझे तो वही नहीं पता कि गलती क्या हुई है, तो आपको बतानी चाहिए क्या गलती हुई। यस
और लास्ट ब्लॉग में जैसा क्लियर किया गया था, तो अभी इनसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके गुस्सा हेट मत दीजिए इनको, हेट के जगह इनको प्यार दीजिए और हमें भी। ओके, देखिए हम आपकी तरफ से बोल दिए हमारे पब्लिक को, अभी हमारी पब्लिक भी आपको प्यार देगी, ठीक है? और आपकी पब्लिक तो आपको प्यार देती ही है। तो गाइज आज हमारा कोलकाता में लास्ट डे और हम लोग फिर से इको पार्क आए हैं और हमारे साथ फिर से कौन है? शबनम लायक 2003 वो यूजर नेम है, ऐसे इनका नेम शबनम लायक है, आप लोग को भी पता होगा। कुछ कहना चाहोगे आप शबनम लायक जी? ये हमेशा कुछ नहीं कहना चाहती है। तो देख सकते हो आप लोग रिमझिम बरसात, हम लोग रील बना रहे थे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, देखने को मिला होगा आप लोगों को हम दोनों का भी रील, मेरा सिंगल भी रील, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। और अभी हम लोग बना ही रहे थे कि बारिश होने लगी, तो हम लोग आके यहाँ पे शेड में छुपे हैं। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है, वेट आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे से उतना दिख नहीं रहा हुआ। इधर ये दोनों को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती है, ये दोनों भी देख लीजिए थोड़ा। और वेलकम बैक, हेलो गाइस। सो आज हमारा लास्ट डे है और इसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कोलकाता को मिस करने वाले हैं और पता नहीं कब आएंगे फिर वापस कोलकाता, लेकिन आएंगे ज़रूर। बहुत ही प्यारा प्लेस है कोलकाता, बहुत ही अच्छी जगह है कोलकाता, लेकिन कोलकाता आने के बाद बहुत बदनाम करते हो आप लोग, बहुत सारा कमेंट्स करने लगते हो, आ सकता है कमेंट्स में, इसके लिए अब कोलकाता नहीं। आपको कोलकाता की जरूरत नहीं, मैं बिहार चली जाऊंगी। सो गाइस मैं अपने स्टोरी पे डाल दूंगी हाँ? कि मैं बिहार आ रही हूँ और आपके सारे फॉलोअर्स कमेंट्स करेंगे। अच्छा अच्छा, फिर मेरे सारे फॉलोअर्स कोलकाता पहुंच जाएंगे, उससे पहले आपको उठा के आउट ऑफ इंडिया रख देंगे। हाँ मेरे से बहुत दूर है ना अभिषेक। सो गाइज जो भी कोलकाता के हैं, जो भी कोलकाता के निवासी, जो भी कोलकाता में रहते हैं, उन लोगों को बहुत सारा प्यार। और आप लोगों का कोलकाता जो है बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है? तो आप लोग भी कभी बिहार आइए, हमारा बिहार भी बहुत प्यारा है। और इनको भी लेके आइए, शबनम लायक जी को। तो शबनम जी आप बताइए, अभी आज हमारा लास्ट डे है कोलकाता में और आज हम लोग, आज नहीं मतलब कल निकलने वाले हैं, तो आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? हम लोग का लास्ट डे और हम लोग कल निकलने वाले हैं। मैं तो इतने मुश्किल से मतलब अपने रोने को कंट्रोल कर रही हूं, जाके ही रो दूंगी एकदम। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो आप? बहुत अच्छा एक्टिंग करती है गाइस। अच्छा तो कैसा फील कर रहे हो, मतलब आंसू रुक नहीं रहा है, आप कंट्रोल करके रोके हुए हो, है ना? तो कल हम लोग निकलने वाले, कल आंसू रुकेगा या फिर वो निकल जाएगा? कल तो आप शायद घर पे रहोगे तो मे भी रो भी सकते हो। हाँ हम लोग के सामने रोते रोते रील बना लूंगी, पोस्ट कर दूंगी। और टैग किसे करूंगी? टैग आपको कर दूंगी, आपको नहीं, आपके फैन पेज को करूंगी, रसूल लवर्स को, रसूल लवर्स, प्रशांत की दीवानी, फिर ओहो याद नहीं आ रहा है। तो और क्या पूछने वाले थे? हाँ कैसा लगा आपको हमारे साथ ये इतना सारा दिन घूम के? बहुत अच्छा लगा हमारे साथ इतना ज़्यादा टाइम बिता के, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा ना, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और गाइस जो भी ऐसा आप लोग अगर कुछ सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का बस फॉर्मल रिलेशन है, ठीक है? और हम लोग बस साथ में मिले, घूमें, खाए पिए और रील्स बनाए, और रील्स में मे बी हम लोग का एक्टिंग अच्छा है जिसके कारण केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छा दिख गया होगा, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। सो गाइज प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आज कोलकाता में लास्ट डे है और आगे देखते हैं, कुछ अगर दिखा पाएंगे आपको तो ज़रूर दिखाएंगे। बाकी शबनम को आप लोग बाय कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दे दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है हमारी सब, सॉरी मतलब बेटी तरह शब्द अदल बदल गए, बहुत अच्छी लड़की है शबनम, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ हेट मत दीजिए, प्यार दीजिए, आप हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा प्यार दे दीजिए अपने तरफ से कुछ। प्यार, बहुत हाँ। एकदम दिल से इतना प्यार,
सारे प्रसू लवर्स को, सारे प्रसू लवर्स को इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया इतने दिन तक तो। हाँ, और हमारे प्रसू लवर्स के तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार। हमारे प्रसू लवर्स भी आपको प्यार करेंगे। ओके, वो मुझे दिख रहा है, अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है। अभी हम बिहार जाएंगे तो फिर प्रसू लवर्स आपको भी प्यार देंगे। ओके, सो प्रसू लवर्स, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टू एवरीवन, नो हेट, नो जेलसी। ओके, और व्यू चेक कर सकते हो आप लोग, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, और हमारे अभिषेक भाई एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। क्या अभिषेक, कैसा लग रहा है आपको कोलकाता में? आज हमारा लास्ट डे, आपको कैसा फील हो रहा है? किसको मिस करने वाले हो आप? कोलकाता को। कोलकाता में और किसी को मिस करोगे? किसी को नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, अपने घर को मिस करेंगे हम लोग, है ना? अपने घर को मिस करेंगे। हाँ, घर को भी मिस करेंगे। सो शाम का व्यू चेक कर सकते हो आप लोग। सो गाइस, इको पार्क आए और साइकिल न चलाए तो क्या चलाए? तो अभी हम लोग आए हैं साइकिल लेने यहाँ से, और इस पर ख़ास बात यह है कि इस पर दो बैठ के चला सकते हैं, और हम लोग चार जन हैं तो अभी हम लोग आराम से तो अभी हम लोग साइकिल राइड करने वाले हैं। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। आधा घंटा? ओके, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में ही रहेंगे। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। सो गाइस, हम लोग रेडी हैं राइड के लिए। जो बनाना है बना, मुड़ रहा है। हाँ, प्लीज इसको बनाए फिर चलाना। आपको थोड़ा वो चलाने आता है ना? नहीं नहीं आता, कोई बात नहीं, आप खाली पैंडल मारना। खींचा जाएगा ना? यस यस, खींचा जाएगा। बैठिए, मुझे ना सच में इनके साथ बैठने में मतलब रेडी। ठीक है ना? ओके, चलिए स्टार्ट, लेट्स गो। यो, मजा आ रहा है गाइस, बहुत है मजा आ रहा है साइकिल चलाने में। फर्स्ट टाइम हम लोग हैं सब डुअल सीटर साइकिल चला रहे हैं। तो गाइस, गर्मी ज़्यादा है इसीलिए इतना पसीना चल रहा है। नहीं नहीं, ठंडी रहता तो बहुत मज़ा आता, और मज़ा आता। गाइस, बहुत पसीना चल रहा है गाइस। तो पसीने में कैसा लग रहा है बोलो? खराब है लेकिन मज़ा आ रहा है। तो गाइस, हम लोग को मिले थे 30 मिनट्स राइड कम्प्लीट करने के, लेकिन हम लोग 15 मिनट्स में कम्प्लीट करके वापिस आ गए हैं, और हालत देख सकते हो, पसीने से हालत ख़राब है, लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। ठंडी रहता तो और मज़ा आता। इतना पसीना आया है इनको, तो पसीना क्यों आएगा? ये तो पीछे से वो पैंडल ही नहीं मार रही थी। ये नहीं, मैं मार रही थी, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभिषेक को पूरा सपोर्ट मिला इसीलिए ओवरटेक नहीं करने दिए। हाँ, दोनों लड़का लड़का का सपोर्ट मिला इसीलिए ये ओवरटेक। अकेले भैया, आप कुछ कर रहे थे? नहीं नहीं, हम कहाँ कुछ कर रहे थे। मत लीजिए, ये बचपन से साइकिल नहीं चलाती है इसलिए इसको पैंडल नहीं मारने आता। अभी ये जीत गए हैं, पटना जाके हम दोनों का साइकिल राइड, साइकिल रेसिंग वाला ब्लॉग आएगा, उसमें आप लोग को दिखाएंगे कौन जीतता है। अकेले अकेले सिंगल राइड भी हमें जीत के दिखाएंगे। ओके गाइस, क्लोज से दिखाओ पसीना, झूठ मूठ का पसीना, हारने के बाद भी पसीना, हर जगह से पसीना, जीत का पसीना ये होता है, देख लीजिए जीत का पसीना। एक जगह रुके थे फिर नल से मुंह में पानी मार लिया, रिवील हो गया, रिवील हो गया, डन गाइस। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा कॉफी एंजॉय करेंगे, यहाँ आईफिल टावर के पास हम लोग बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ पे। चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ का व्यू, यहाँ का व्यू आप लोगों को वीडियो में भी दिखा होगा, मेरे रस के कमर वाले वीडियो में, जो हम लोग दुकान से दौड़ के आते हैं, जो दुकान वाले को गाली दे देते हैं तो दौड़ के यहीं पे आते हैं, और वो सीन यहीं पे हुआ था। आप लोग चेक कर सकते हो, तो अभिषेक कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे कॉफ़ी एंजॉय करके? बहुत अच्छा लग रहा है सही में, दुबई में पी रहे हैं लग रहा है, दुबई में पी रहे हैं, दुबई वाला वाइब आ रहा है ना, बगल में पेरिस है। पेरिस आपको कैसा लग रहा है? पेरिस में तो है, दुबई का नाम क्यों है? आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हो। चाय में इतना ज़्यादा शुगर क्यों डाल रहे हो? चाय नहीं बाबू, कॉफी, सॉरी कॉफ,
मेरा ब्लॉग है ब्रो। गरीब बलाल लैंग्वेज हो गई। हाँ वो वही सही बात है, मतलब देखिए जैसा संगत में रहोगे ना आप वही। आज अभिषेक हमें बताएंगे अपने बॉडी का राज। ये फंस गया क्या अभिषेक? अपने बॉडी का राज बताइए। बॉडी का कोई राज नहीं। पहले हम बहुत पतला हुआ करते थे। अच्छा वही फिर जिम ज्वाइन किए। हाँ जिम के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया फिर लॉकडाउन में जिम नहीं जा पाए। हाँ घर पे थोड़ा बहुत करते थे। हाँ फिर पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाया मतलब। हाँ उसके बाद फिर गर्दा उड़ा दिए चिकन। फिर उसके बाद खाते गए आज ये हो गया। और खाने में क्या क्या लिए? चिकन मटन। ओ माई गॉड। तो आप लोग को भी अगर ऐसा बॉडी चाहिए तो चिकन मटन कंटिन्यू करिए। ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया और सबनम को बाय करने का टाइम आ गया और पूरे कोलकाता को भी बाय करने का टाइम आ गया। ठीक है तो सभी कोलकाता वासियों को ढेर सारा प्यार और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। ठीक है और ढेर सारा प्यार सभी को वाला वासी। लव यू ऑल। आप कुछ हम क्या है क्यों कल ट्रेन में जाते तो काम ही ना। चलो ठीक है सबनम बाय बाय गुड नाइट बाय बाय।